कोशिश की थी राव अनवार साहब ने, क्या उसके वाले से भी कुछ शकूक व शुबात का इजहार किया है इस तीन रुकनी कमेटी ने, और क्या वो वापस कराची में भी? ये काफी समझने के लिए एक गहराई में इसका बैकग्राउंड समझना थोड़ा जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको वादे करूं कि जरदारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उनके करीबी दोस्त समझे जाते हैं राव अनवार, और यही वजह है कि गुज़िश्ता 10 साल से गडाप का इलाका मखसूस है जहां इनको तैनाती दी गई, और खिलाफ कानून जो है वो एक ही एसएसपी को 10 साल से जो है वो एक ही जिले के अंदर एसएसपी के बतौर एसएसपी तैनात रखा गया है। और सिर्फ यही मामला नहीं है, अगर सिर्फ पिछले साल की अगर हम तादाद लगाएं तो 48 मुबैना तौर के ऊपर मुल्ज़िमान को मावराए अदालत इस अंदाज से कत्ल किया गया, और उसमें कभी जो है वो खुदकश हमले के मुबैना खुदकश हमले के नाम के ऊपर जो है वो मुकाबला शो किया गया, और कभी दहशतगर्दों की मशतबा मौजूदगी को जवाब बनाकर कभी 4 कभी 5 कभी 8 कभी 10 कभी 12 और कभी 13 मुल्ज़िमान को भी बैक वक्त मार गिराया गया। और तशवीशनाक अमल ये था कि ये सारा कुछ मीडिया की आंख के नीचे ही जारी था, हम इसकी निशानदेही भी करते रहे मुख्तलिफ वक्तों में, मगर कोई संजीदा इकदाम नहीं किए गए। मगर दूसरी जानब हम देखते थे कि जमीनों पर कब्जे एक बहुत बड़ा एक वजह दिखाई देती थी गडाप के इलाके के अंदर। एसएसपी राव अनवार की सल्तनत एक तरह से समझा जाता था, रेती बजरी का पैसा वसूल किया जाता था, तामीरात का, कब्जे का। सिंध हुकूमत का क्या मौकफ है, एनओसी जारी हुआ या नहीं हुआ? जी हाँ बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज ये एक्स पाकिस्तान लीग चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जो है वो उन्हें अलाउ की गई। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, इससे सारी पिक्चर आया हो जाती है कि किस